स्टूडेंट्स वेलकम टू हेल्प टीवी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, स्पेशली इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बैक्टीरिया को जब हम ग्रो करवाते हैं या बैक्टीरिया की जब रेप्लिकेशन करवाते हैं हम, बैक्टीरिया को जब एक से दो में कन्वर्ट होते हैं तो उनके न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो कि मीडिया में, जिस मीडिया में उसको हम ग्रो करवा रहे हैं, हर जगह पेट्री डिश है, तो पेट्री डिश है इसमें जो आप नीचे मीडिया डालेंगे उसमें वो सारे कंपाउंड्स होने चाहिए जो उसकी सिंथेसिस, जो उसकी माइक्रो मॉलिक्यूलर सिंथेसिस, इसकी ऑस्मोटिक जो कंसंट्रेशंस हैं उनको एक नॉर्मल लेवल में रखें। उसके साथ साथ कुछ ऐसे होते हैं, सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इसके एनवायरनमेंट, जो इधर है इसके एनवायरनमेंट, उस नॉर्मल रेंज में होगा, ठीक है, और तो तब उनकी क्या होगी, सिंथेसिस होगी। अब जो न्यूट्रिएंट्स आपने डालने हैं, स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स होंगे और उन न्यूट्रिएंट्स की स्पेसिफिक अमाउंट में आपने कंसंट्रेशन डालनी है पर ml और पर लीटर। तो सबसे पहले जो इनमें हम डिस्कस करेंगे आज, जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके अलावा pH स्पेसिफिक रेंज में pH कंट्रोल होनी चाहिए, मेंटेन होनी चाहिए, इसके अलावा टेम्परेचर होना चाहिए, टेम्परेचर के साथ साथ एरिएशन होनी चाहिए। जो बैक्टीरिया को एयर चाहिए होती है उनको एयर आप सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, और जिनको नहीं चाहिए वहाँ से एयर रिमूव करेंगे। इसके अलावा आयनिक स्ट्रेंथ, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट्स के बारे में। तो न्यूट्रिएंट्स, जब आप न्यूट्रिएंट की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आपको पता होगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कितना उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो हाइड्रोजन डोनर एंड एक्सेप्टर चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन डोनर्स, अगर हमारा कैमरामैन आपको यहाँ पे फोकस करे, हाइड्रोजन डोनर्स एंड एक्सेप्टर्स, ये तकरीबन 2 ग्राम पर लीटर आपने इस जिस मीडिया के अंदर इसको रेप्लिकेट करवा रहे हैं वहाँ पे क्या होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा कार्बन सोर्स, इसके अलावा कार्बन सोर्स की 1 ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए वहाँ पे उस मीडिया के अंदर मौजूद होनी। इसी तरह नाइट्रोजन सोर्स, इसी तरह क्या नाइट्रोजन सोर्स कितना होना चाहिए, नाइट्रोजन सोर्स होना चाहिए 1 ग्राम पर लीटर, 1 ग्राम पर लीटर नाइट्रोजन सोर्स के अलावा। इसके अलावा मिनरल्स होने चाहिए, सल्फर, फास्फेट, वो कितने होने चाहिए, मिनरल्स जैसा कि सल्फर, फास्फेट, ये 50 मिलीग्राम पर लीटर मीडिया जो आप प्रोवाइड करें, जिसके अंदर आप बैक्टीरिया को, जिसमें आपने ग्रो करवाना है, ओके। इसके अलावा ट्रेस एलिमेंट्स, कुछ ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट्स उनकी 0.1 to 1 milligram per liter ईच ट्रेस एलिमेंट्स, उनको आपने ग्रोथ के अलावा जो है वो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो कितने हैं, ग्रोथ फिफ्टी मिलीग्राम पर लीटर। उसके अलावा कौन से होते हैं, विटामिन्स, विटामिन्स की कितनी कंसंट्रेशन होती है, 0.1 to 1 milligram per liter। ये न्यूट्रिएंट्स जब आप मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये न्यूट्रिएंट्स की ये कंसंट्रेशन वहाँ पे एटलीस्ट स्पेसिफाई इनको मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। इन न्यूट्रिएंट्स का खास ख्याल रखा जाना चाहिए, तभी बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। ये कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तरह के इनका आपने ज़रूर वहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है मीडिया के, मीडिया जिस मीडिया के अंदर आप बैक्टीरिया को
ग्रो करवाना चाहते हैं। इसको अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ऐसे गोल होती है पेट्री डिश, और उसके ऊपर ये क्या होता है, ये लीड होता है इसका, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है पीएच। पीएच होता है बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इस मीडिया में डिफरेंट रखी जाएगी। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को जब आप ग्रो करवाएंगे उनकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होती है वो डिफरेंट होती है, उनको डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। अब जैसे जैसा कि कुछ न्यूट्रलोफिल होते हैं, जो न्यूट्रलोफिल होते हैं, कुछ एसिडोफिल्स होते हैं, कुछ अल्कलोफिल्स होते हैं, कुछ एसिडोफिल्स होते हैं, कुछ अल्कलोफिल होते हैं। तो होता क्या है कि जो न्यूट्रलोफिल होते हैं उनको चाहिए होती है 6.0 to 8.0 की पीएच चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए। बैक्टीरिया का हमें नाउन होता है कि किस उसमें ग्रोथ, और जबकि एसिडोफिल्स होते हैं उनकी 3.0 पीएच चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए। और इसी तरह अल्कलोफिल जो होते हैं, अल्कलोफिल्स उनकी चाहिए होती है 10.5 पीएच। इसके अलावा ये जो पीएच मेंटेन की जाती है ना, पीएच जो बैक्टीरिया के अंदर जो पीएच मेंटेन की जाती है ना, बैक्टीरिया का जो ये इंटीरियर है, ये इंटीरियर है और ये आउटर साइड है, ये इनर साइड। तो इसके इंटीरियर जो पीएच मेंटेन की जाती है, जिसके हिसाब से वो क्या कर रहे थे, उनकी रिलेटिव एफिनिटी होती है डिफरेंट पीएच कंसंट्रेशन, उसके लिए तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। एक तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स, सॉरी एटीपी प्रोटॉन पंप्स होते हैं, एटीपी डिराइव्ड प्रोटॉन पंप्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि अगर तो इस स्पेसिफिक बैक्टीरिया की अंदर पीएच जो है वो ज़्यादा रिक्वायर है, तो हाइड्रोजन आयन्स को वो क्या करेंगे, पीएच अगर अल्कलोफिल हैं तो हाइड्रोजन आयन को वो क्या कर देंगे, अगर कोई बैक्टीरिया है वो अल्कलोफिल है यानी कि ये है वो, तो अंदर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम चाहिए होगी, तो वो एच को क्या कर देंगे, बाहर एक्सक्रीट कर देंगे। इसी तरह अगर कोई एसिडोफिल है उसको अंदर कम पीएच चाहिए तो ये क्या करेंगे, एच को अंदर ले आएंगे फॉर द केस ऑफ दिस, ओके। और न्यूट्रलोफिल में ये क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे आउट और इन। ये क्या हो गए, एटीपी प्रोटॉन पंप। दूसरे नंबर पे होते हैं सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज और पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज और पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज। तो होता क्या है कि सोडियम बेसिकली एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है, सोडियम क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर कैटायन होता है। जब सोडियम सेल के अंदर लीक कर जाता है, सेल के अंदर लीक कर जाता है, तो उसकी बाहर जब ट्रांसपोर्ट की जाती है तो उसके बदले में क्या, हाइड्रोजन को इंटीरियर मूव करवाया जाता है। इसी तरह पोटेशियम की जब इंटीरियर मूवमेंट की जाती है, पोटाशियम को जब अंदर सेल के मुंह किया जाता है तो उसके बदले में जो हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है उसको बाहर मूव किया जाता है। ऐसे होता है सोडियम, हल्के सोडियम एक्स्ट्रा सेलुलर है तो सोडियम जब यहाँ से बाहर जाएगा तो इधर से ये क्या, प्रोटॉन इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसके रिवर्स क्या होगा, वो पोटाशियम के लिए होगा, पोटाशियम सेल के अंदर आएगा और हाइड्रोजन बाहर जाएगा, तो इससे ये रिलेटिव पीएच कंसंट्रेशन मेंटेन करते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स के बाद पीएच हो गए कि डिफरेंट बैक्टीरिया जो होते हैं डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ पीएच उनको चाहिए होती है उनकी ग्रोथ के लिए। अब तीसरे नंबर पर आ जाता है टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिहाज से बैक्टीरिया को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। पहले नंबर पे कौन से, साइक्रोफिलिक, कौन से, साइक्रोफिलिक। साइक्रोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको -5 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, ये इसमें बेस्ट ग्रो करते हैं। अब दूसरे होते हैं साइक्रोट्रॉफ्स,
साइक्रोट्रॉफ, साइक्रोट्रॉफ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 20-30 डिग्री सेल्सियस पे बहुत अच्छे से ग्रो कर जाते हैं, लेकिन अच्छे ग्रो करते हैं इनकी रिलेटिव, लेकिन इससे कम टेम्परेचर और इससे थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे भी ये ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उतने अच्छे नहीं ग्रो कर सकते जितने इस टेम्परेचर पे करते हैं। ये ऑप्टिमल टेम्परेचर है इसका, ये क्या है ऑप्टिमल। अब दूसरे नंबर का मीजोफिलिक, तीसरे नंबर पे आते हैं मीजोफिलिक। मीजोफिलिक ऐसे होते हैं कि जो 30 से 37 डिग्री सेल्सियस तक ये बेस्ट ग्रो, इनका ये ऑप्टिमम टेम्परेचर है, इनका क्या है ये ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज है 32-37 डिग्री सेल्सियस। अब उसके बाद आते हैं थर्मोफिलिक, उसके बाद क्या आ जाते हैं थर्मोफिलिक। याद रखिए थर्मोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो 50 डिग्री सेल्सियस टू 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। अगर इससे कम टेम्परेचर होगा या इससे ज़्यादा होगा तो उनकी ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो इनहिबिट हो जाएगी, उनकी क्या ग्रोथ क्या हो जाएगी इनहिबिट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो हाइपर थर्मोफिलिक होते हैं, हाइपर फिलिक होते हैं, तकरीबन 100 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाके, वाटर के बॉइलिंग पॉइंट पे जाके क्या करते हैं ये ग्रो करते हैं। तो आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये ऐसे ऐसा टेम्परेचर कहाँ पर मौजूद होगा जहाँ पानी बॉयल हो रहा हो और ये बैक्टीरिया वहाँ मौजूद हों, तो ये ज़मीन के नीचे या ओशंस के नीचे जो है, और जहाँ रॉक्स बॉयल करती हैं और पानी, रॉक्स जो है मेटल्स मेल्ट होने के नतीजे में पानी बॉयल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है अंडर द ओशंस ये क्या होता है ऐसा टेम्परेचर वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है और वहाँ पे ये क्या करते हैं ग्रो करते हैं। अब इसके बाद आ जाती है न्यूट्रिएंट्स पीएच टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट्स पीएच टेम्परेचर के बाद आ जाती है एरिएशन, यानी कि एरिएशन का मतलब यानी कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। याद रखिए कि ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के हवाले से बैक्टीरिया को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, 5 कैटेगरीज में। पहली कौन सी है, पहली कौन सी है ओब्लिगेट एरोब्स, ओब्लिगेट एरोब्स। ओब्लिगेट याद रखिए, ओब्लिगेट एरोब्स अगर हमारा कैमरा मैन आपको दिखा सके, उसको थोड़ा सा टाइम हो, तो ओब्लिगेट एरोब्स कुछ ऐसे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन मस्ट होती है, जिनकी ग्रोथ के लिए क्या होती है ऑक्सीजन मस्ट होती है, जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन मस्ट, अगर ऑक्सीजन यहाँ पे मौजूद नहीं होगी तो ये क्या हो जाएंगे इनकी डेथ हो जाएगी या इनकी ग्रोथ होगी इनहिबिट हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, दूसरे नंबर पे कौन से आ जाते हैं फैकल्टेटिव, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया कौन से होते हैं कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी दोनों में ग्रो कर सकते हैं, लेकिन गैर मौजूदगी में ज़्यादा अच्छे से ग्रो करते हैं, ये ज़्यादा मौजूदगी में ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसके नंबर तीसरे नंबर पे आ जाते हैं ओब्लिगेट, ओब्लिगेट एनारोब्स, ओब्लिगेट एनारोब्स ऐसे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो के ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो कर जाते हैं। अगर ऑक्सीजन मौजूद होगा तो उनकी क्या हो जाएगी, उनकी क्या हो जाएगी डेथ हो जाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी। कैसे डेथ होगी ये मैं आपको चल के थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा। उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं कौन से माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो एरोफिलिक, माइक्रो एरोफिलिक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको, जिनकी ग्रोथ के लिए मामूली मिकदार में ऑक्सीजन चाहिए होती है, तकरीबन 2-10% ऑक्सीजन इनको चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, यानी कि ऑक्सीजन माइक्रो एरोफिलिक यानी कि ऑक्सीजन की थोड़ी मिकदार इनको चाहिए होती है इनकी ग्रोथ के लिए। अब उसके बाद आ जाते हैं एरो टॉलरेंट एनारोब्स,
एरो टॉलरेंट एनएरोब्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एरो टॉलरेंट एनएरोब्स कौन से होते हैं कि ऐसे होते हैं कि ये ऑक्सीजन की मौजूदगी या गैर मौजूदगी को बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन ये ऑक्सीजन को एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज नहीं करते. ऑक्सीजन को एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर ये क्या करते हैं, यूज नहीं करते. ये किसी और सब्सटेंस को हाइड्रोजन एक्सेप्टर यूज करते हैं और ऑक्सीजन को यूज नहीं करते. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में और ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं उनमें क्या होता यह है कि ऑक्सीजेशन, जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है, जब क्या होती है ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तो दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं. जब ऑक्सीजन यूटिलाइज होती है तो दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं. एक बनते हैं ये ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड और दूसरा बनता है हाइड्रोजन परऑक्साइड. अब ऑक्सीजन ये कंपाउंड्स बनते हैं. नॉर्मली बैक्टीरिया में क्या होता है कि ये एक टॉक्सिक कंपाउंड्स होते हैं. ये क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन को डैमेज करते हैं और ये डीएनए में वो करता है. ठीक है, अगर हमारा कैमरा मैन इधर फोकस करे तो ये डीएनए को क्या करता है, ये डीएनए को डैमेज करता है और ये क्या करता है, इनकी मेम्ब्रेन को डैमेज करता है. तो कुछ को ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसके साथ मिलके इसको H2O2, ये इस एंजाइम को कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज. सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज जो सुपर ऑक्सीजन की सुपर ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किस में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में, हाइड्रोजन परऑक्साइड में. अब दूसरा एंजाइम होता है उसको क्या कहते हैं हम, जो हाइड्रोजन परऑक्साइड को कन्वर्ट करता है किस में, वाटर में प्लस ऑक्सीजन में, प्लस ऑक्सीजन में. इसको हम क्या कहते हैं, कैटालेज. तो जो ऑब्लिगेट एनएरोब्स होते हैं इनको एनएरोबिक कंडीशन में ग्रो करवाया जाता है. क्यों, क्योंकि जब इनको ऑक्सीजन आप सप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करने के नतीजे में ये कंपाउंड्स बनेंगे और इन बैक्टीरिया के अंदर, ऑब्लिगेट एनएरोब्स के अंदर ये वाले एंजाइम्स नहीं होते टू डिटॉक्सिफाई दीज हार्मफुल कंपाउंड्स. सो क्या हो जाता है, ये उनके लिए टॉक्सिक होते हैं, ये उनकी डेथ कॉज करवा देते हैं. ठीक है, अब जो ऐसे बैक्टीरिया जो जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है ग्रोथ के लिए, उनके लिए ऑक्सीजन सप्लाई करनी है थ्रू हाई प्रेशर. ऑक्सीजन मीडियम में मौजूद होनी चाहिए, आइदर आप डिफ्यूज उसी उसको ट्यूब को शेक करके उसमें मिक्स करेंगे या उनको ऑक्सीजन का सोर्स वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे. और जो जिनको एनएरोब्स हैं, जो ऑब्लिगेट एनएरोब्स हैं, तो वहाँ से आपने क्या करना है कि एक कंटेनर में जब आप बैक्टीरिया को ग्रो करवा रहे हैं, ये आपने कंटेनर लिया और इसमें आपने पेट्री डिश रखी, यहाँ पे बैक्टीरिया को इनोकुलेट किया आपने. बैक्टीरिया को जब आप इनोकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसके लिड को टाइट कर यहाँ पे आपने एक फ्लेम, कोई फ्लेमेबल चीज़ रखनी है जो जलती हो. ठीक है, फ्लेमेबल चीज़ आपने इसमें रखी और ऊपर से इसको ढक्कन को टाइट से बंद कर दिया आपने. ठीक हो गया, तो क्या होगा कि जो फ्लेम बढ़ता जाएगा और ऑक्सीजन सारी कंज्यूम कर देगा तो ऑक्सीजन सारी एटमॉस्फेयर से कम हो जाएगी और ऑक्सीजन के बिना ये बेस्ट ग्रो कर सकेगा. अब पांचवें नंबर पे आ जाता है आयोनिक स्ट्रेंथ एंड ऑस्मोटिक प्रेशर. ऐसे बैक्टीरिया जो हाई आयोनिक स्ट्रेंथ में ग्रो करते हैं उनको हम कहते हैं हेलोफिलिक. वो क्या कहते हैं हम, हेलोफिलिक. और जो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को फेवर करते हैं या उनको इजी रहता है उनकी ग्रोथ, उसको हम कहते हैं ऑस्मोफिलिक. आयोनिक स्ट्रेंथ और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी वही ये सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज, पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंज और एटीपी हाइड्रोजन एक्सचेंज यही यूटिलाइज होते हैं. अब जब ऑक्सीजन आपने सप्लाई की है, ऑक्सीजन की स्पेसिफिक क्वांटिटी जो है वो चाहिए होती है बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए. जब बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन 4.5, जब बैक्टीरिया की कंसंट्रेशन 4.5 × 10⁻⁹ पर लीटर हो जाती है,
लीटर नहीं, एमएल पर एमएल हो जाती है। तो ये फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन से डायरेक्टली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इनको बढ़ेगी तो ये भी अपनी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, अगर ऑक्सीजन की सप्लाई इनको लिमिटेड है तो ये अपनी ग्रोथ को रोक देंगे। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि बैक्टीरिया की जब आप ग्रोथ करवा रहे होते हैं तो वहाँ पे जो मीडिया प्रोवाइडेड है उस उन बैक्टीरिया के अराउंड जो इन्वायरमेंट है उसमें आपने किन किन चीज़ों को प्रोवाइड करना है और किन किन चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट करना है, और जिन चीज़ों को प्रोवाइड करना है उनकी रिलेटिव कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए विद रिलेटिव कंसनट्रेशन विद टोटल वॉल्यूम। ओके, सबसे पहले था न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स जो उनकी न्यूट्रिएंट्स, दूसरे नंबर पर था पीएच, तीसरे नंबर पर टेम्परेचर, और चौथे नंबर पर था एरिएशन यानी कि ऑक्सीजन कंसनट्रेशन, और चौथे नंबर पांचवें नंबर पर था आयोनिक स्ट्रेंथ और ऑस्मोटिक प्रेशर। तो न्यूट्रिएंट्स में हमने डिस्कस किया कि हाइड्रोजन डोनर एक्सेप्टर इनकी कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, कार्बन सोर्स इनकी कितनी कंसनट्रेशन पर लीटर मीडिया जब आप प्रिपेयर करेंगे तो मैं डालेंगे, पीएच कि आपने डिसाइड करना है कि आप कौन से बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हैं, आप कौन से बैक्टीरिया को ग्रो करवाना चाहते हैं और उसी के फेवरेबल पीएच आप वहाँ पे रखेंगे ताकि वो इजीली ग्रो कर सके। इसके बाद टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंट बैक्टीरिया डिफरेंट टेम्परेचर पे ग्रो बेस्ट ग्रो करते हैं, तो इसलिए आपने जो सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म है जो आपने ग्रो करवाना है उसके लिए आप वही टेम्परेचर अवेलेबल करेंगे जिस पे वो अच्छा ग्रो कर सकता है। इसके अलावा हर बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिफरेंट कंसंट्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है और डिफरेंट कंसंट्रेशन में वेल ग्रो करता है। आपने आपने देखना है कि ये बैक्टीरिया सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म कौन सा है, सस्पेक्टेड ऑर्गेनिज्म अगर ऑब्लिगेट एरोब है तो आपने ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको ग्रो करवाना है, अगर ऑब्लिगेट एनएरोब है तो आपने ऑक्सीजन की बिल्कुल सिफर अमाउंट में जीरो अमाउंट में आपने ऑक्सीजन की जीरो अमाउंट में उसको ग्रो करवाना है। इसके अलावा आयनिक स्ट्रेंथ आपने मेंटेन करनी है, इसके नतीजे में उनकी ग्रोथ को इफेक्ट पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, वेरी बेसिक लेक्चर। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें ज़रूर ईमेल कीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।